हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वन मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5, जिसमें हमने नंबर ऑफ 10 to 20 के स्पेलिंग भी देखे थे। उसके बाद 10 to 20 के जो मतलब नंबर आते हैं उनमें ग्रुप बनाना, टेंस का ग्रुप बनाना, और एक्स्ट्रा जितने बचते हैं उसको हम वंस पर टेंस में डिवाइड करना भी हमने सीखा था। उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो सारी हमने की। तो ये जो भी नंबर थे वो सारे नंबर को हमने ऐसे अलग करते हैं, फिर उनका ग्रुप कैसे बनता है वो सब हमने सीखा था। आज हम यही नंबर में जो एसेंडिंग, डिसेंडिंग, मिडल नंबर, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक होती है आपको, लेकिन अब नहीं होगी, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट द जस्ट प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर को हम बिफोर नंबर भी बोल सकते हैं। कौन सा नंबर? बिफोर नंबर, पहले वाला, उसके आगे वाला नंबर, जिसको हम प्रीसीडिंग, बिफोर और आगे वाला नंबर भी बोलते हैं। चलो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ जो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है 19, 12, 15, 17 and 20। ओके भाई, यहाँ पे ये जो नंबर है, अब इन नंबर का आपको प्रीसीडिंग नंबर चाहिए। तो प्रीसीडिंग नंबर के लिए हमें, जिसको हम बिफोर नंबर भी बोलते हैं, तो वो कैसे हम ला सकते हैं? तो आपको मैंने सिखाया है कि ये सबसे पहले एग्जांपल है 19। तो 19 से पहले प्रीसीडिंग नंबर कौन सा आएगा? वेरी गुड, कौन सा आएगा? 18। 12 से पहले 11। 15 से पहले 14। ओके, जब ये तीन के मैंने आंसर लिखा है, बाकी की ये जो दो है वो आपको ये 5 एग्जांपल आपकी नोटबुक में लिखने हैं, और इन दोनों के जो राइट आंसर है वो आपको अपने आप लिखने हैं, क्योंकि अभी तो 1 to 10, 20 की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं और एक एग्जांपल। तो ये देखो, हमने प्रीसीडिंग नंबर, बिफोर नंबर, इनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे सक्सेडिंग नंबर। कौन से नंबर? सक्सेडिंग नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सक्सेडिंग नंबर, कौन से नंबर? तो सक्सेडिंग नंबर, इसको हम और कह सकते हैं आफ्टर नंबर भी बोल सकते हैं, उसके बाद आने वाला नंबर, उसके पीछे आने वाला नंबर, इसको हम सक्सेडिंग नंबर, आफ्टर नंबर भी बोलते हैं। चलिए यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं।
ओके तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 9, 13, 18, 5 और 7। तब देखो सक्सेसिव नंबर की बात है, तो यहाँ पे जो सक्सेसिव नंबर आते हैं वो कौन से आएंगे? 9 के बाद आफ्टर नंबर, 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 9 के बाद कौन सा आता है? 9, 10। कौन सा आता है? 10 नंबर। 13 के बाद कौन सा नंबर आता है? 13, 14। कौन सा आता है? 14। 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 19 नंबर। और यहाँ पे 5 के बाद जो आता है और 17 के बाद जो आता है वो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट ये 5 एग्जांपल लिखने हैं। इन सब के मैंने आंसर लिखा है और ये जो बाकी के आंसर है वो आपको अपने आप कंप्लीट करना, ये भी आपकी नोटबुक में लिख दो। ओके बच्चों, और एक चीज की बात करते हैं। अब देखो बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, या मीन्स प्रीसीडिंग हो गया, सक्सेसिव हो गया। अब मिडल नंबर की, दोनों साइड नंबर है और जो मिडल में नंबर नहीं दिया है उसके बारे में हमें बात करनी है, तो चलो उसके लिए करते हैं। ओके, तो हमें राइट द मिडल नंबर, मिडल नंबर के बारे में हमें बात करनी है, जो बीच वाला नंबर होता है। चलो मैं उसके भी कुछ एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे। इस तरह से आता है बॉक्स और उसमें कुछ नंबर इस तरह से लिखते हैं हम, 13, 15, 8, 10। देखो बच्चों, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अब इनमें जो मिडल नंबर, देखो सबके बीच में एक बॉक्स मैंने ब्लैंक रखा है, तो ये दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा उसको आपको लिखना। तो चलो रेडी स्टार्ट करते हैं। 13 और 15 के मिडल में कौन सा नंबर आएगा? 13 और 15 के मिडल में वेरी गुड, कौन सा नंबर आएगा?
40, ओके। अब 8 और 10 के मिडिल में कौन सा नंबर, 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर है, पहले कौन सा आएगा, 9। 17 और 19 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 18। ओके, देखो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल आपको सॉल्व करवाए और बाकी की जो ये और ये है वो आपको अपने आप आपकी नोटबुक में करना है। पहले ऐसा लिख दो, राइट द मिडिल नंबर, फिर ये 5 एग्जांपल लिखने हैं, उसमें ये तो मैंने कंप्लीट करवाए और बाकी की ये 2 एग्जांपल के आंसर आपको अपने आप लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे लिखा है पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर बिग नंबर। अगर आपको दो नंबर दिए तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो उसके लिए भी हम पहले बॉक्स क्या बना देते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 5 बॉक्स बनाए और उनके एग्जांपल भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 5 एग्जांपल दिए, ग्रेटेड नंबर पे हमें क्या करना है, सर्कल पुट सर्कल करना है ग्रेट नंबर पे, जो बड़ा नंबर है ग्रेट नंबर दोनों में से उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। 14 और 18 दो नंबर में से ग्रेट नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ऑफकोर्स कौन सा है, 18 जो बड़ा है। 11 और 13 में से बिग नंबर कौन सा है, ये वाला 8 और 18 में से कौन सा नंबर बिग है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है 10 और 11, यहाँ पे 12 और 8, ये दोनों में से जो बड़े नंबर है दोनों में से एक एक उनके ऊपर सर्कल आपको अपने आप ही करना है और ये जो बाकी के एग्जांपल आपको पहले नोटबुक में लिखना है। जैसे डिस्प्ले पर नोट दिखाई दे रही है, put circle around the great number। और उसके बाद सेम टू सेम इस तरह से कौन से नंबर पे हमें करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर, स्मॉल नंबर। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, जो स्मॉलर नंबर होते हैं उनके ऊपर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, चलो तो हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ड्रॉ लिखे हैं, यहाँ पे दोनों में से जो स्मॉल नंबर है
एक बॉक्स में दो नंबर दिए, उन दोनों में से जो स्मॉल नंबर है उसके ऊपर हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। ओके चलो पहला देखते हैं, 13 और 20 दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है, वेरी कौन सा है, 13। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल। 16 और 7 में से स्मॉल नंबर 7, 12 और 2 में से स्मॉल नंबर, देखो अब ये दोनों जो रहे 17 और 16 में से स्मॉल नंबर जो भी है और 14 और 6 में जो स्मॉल नंबर है उसके ऊपर आपको किस तरह से ट्रायंगल बनाना है, तो आप भी ये नोटबुक में लिखो और पूरा कंप्लीट, या तो फिर वर्कबुक के अंदर आपको 111 नंबर पे आपको ये कंप्लीट जो भी एग्जाम दिए वो आपको कंप्लीट ऑलरेडी करनी है। अब यहाँ पे देखो तो कुछ नंबर दिए, ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे ये 2 नंबर है उसमें 3 नंबर होंगे, जैसे कि देखो ये मैं क्या करता हूँ, अब ओके देखो यहाँ पे तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, तो इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है 3 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल करना है, जो इस तरह हमने ग्रेट नंबर पे किया वैसे। अब यहाँ पे 3 नंबर, तो 13 16 20 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20, तो हम करेंगे 20 पे सर्कल। 5 17 12 में से बिग नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा, 70 सर्कल। तो इस तरह से आपको ये जो बाकी के एग्जांपल है वर्कबुक में वो भी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सेम टू सेम स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉल नंबर होते एकदम तीनों में से, अब देखो 13 20 एंड 16 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉल, तो ये 13। यही की यही एग्जांपल आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए ही करना है। 5 17 19 12 में से, तो ये तीनों में से सबसे छोटा नंबर, उसी तरह से यहाँ पे भी जो सो स्मॉल है यहाँ पे भी और यहाँ, तो ट्रायंगल करने और उसके पहले सेम टू सेम यही एग्जांपल लेने और ग्रेटेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना। अब देखते हैं एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अब एसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, तो एसेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जाते हैं, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक। चलो एक काम करते हैं, ये एसेंडिंग डिसेंडिंग की जो बात है वो हम थोड़े और नंबर आएंगे जब हमारे फिर से 21 टू 15 तक के, तब सब साथ में लेंगे तो तब आपको बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं आपको कुछ मतलब जो है मैच करना सिखाता हूँ, तो जो हम कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आता है, जैसे कि हमने एडिशन में किया था, सबट्रैक्शन में भी किया था, उसी तरह से नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनमें से किसी के नंबर दिए होते हैं कि दोनों साइड सेम सेम जो नंबर होते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का इक्वल सेम होना चाहिए, इस तरह से जो हमारे एग्जांपल है उसके बारे में हम
बात करने वाले तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 11 माइनस 5 इक्वल 4 प्लस 10। अब देखो दोनों साइड सेम नंबर हो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब 11 माइनस 5, 11 में से 5 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने निकाले हमने 5 1 2 3 4 5, कितने बचे 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर क्या होता है, 6 होता है। ओके अब यहाँ पे मैं 5 में कितने ऐड करूंगा तो 6 आंसर होगा, 4 में कितने ऐड करूंगा तो वेरी गुड 2 ऐड करता हूं तो यहाँ पे 6 हो गया। अब देखो दोनों के दोनों इक्वल हो गए। Yes. इसी तरह से और एक एग्जांपल दिया है आपको 12 माइनस 6 इक्वल 3 प्लस, इस तरह से। अब 12 में से 6 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, यू नो वेरी गुड, वो भी 6 ही बचते हैं। अब 3 में कितने ऐड करूंगा तो 6 रहेंगे, 1 3 ऐड कर देता हूं तो 6 हो जाता है। इसी तरह से जो बाकी के एग्जांपल है वो भी आपको आने चाहिए, जैसे कि पीछे की ओर है वैसे हम एक इस साइड वाला ले लेते हैं, जैसे कि 17 माइनस ब्लैंक इक्वल 7 प्लस 9। अब 7 प्लस 9 कितने होंगे, पहले जिस साइड दो नंबर दिए उसकी हम कैलकुलेशन कर दें कितने होंगे तो 16। अब यहाँ पे 17 में से मुझे कितने निकालने होंगे तो 16 होंगे तो 1, अगर मैं 1 निकाल देता तो 16 कंप्लीट हो जाते हैं। तो ओके बच्चों, तो इस तरह से जो हमारा नंबर थे, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, प्रीसीडिंग नंबर, सक्सेडिंग नंबर, मिडल नंबर, ग्रेट नंबर, स्मॉल नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लास्ट होंगे तब एसेंडिंग डिसेंडिंग के लिए मैं आपको परफेक्ट अलग से सिखाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको 1 to 50 के नंबर लगे, क्योंकि आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ना हो और आपको पता चले कि बड़ा नंबर इसको बोलते हैं और स्मॉल नंबर इसको बोलते हैं। ओके बच्चों, और भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।